हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड इट्स योर शुभम शर्मा यूडी। और कैसे आप लोग, आई होप आप सब लोग बढ़िया हो गए, मस्त हो, एकदम फुल जोश में हो गए। तो गाइज, ये मेरा पहला व्लॉग होने वाला है और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ और थोड़ा इमोशनल भी हूँ, क्योंकि जहाँ पे मैं काम करता हूँ ये भी हमारी एक फैमिली है, जो कि हमारे सामने हमारी फैमिली बना रखी है यहाँ पे। और इन लोगों से मैं कुछ दिनों के लिए दूर रहूँगा तो इन लोगों को मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। और मैं फाइनली अपनी फैमिली से मिलने जा रहा हूँ अभी 6 महीने के बाद। और 6 महीने से अपनी फैमिली से दूर रहना, इट्स नॉट अ ईजी टास्क। और फाइनली वो डे आ गया कि हम आज जा रहे हैं अपनी फैमिली से मिलने के लिए। तो सीधा मिलते हैं आपको मुजफ्फरपुर स्टेशन, जहाँ से हमारी ट्रेन है, या तो दिल्ली, अगर दिल्ली से पहले अगर गाजियाबाद स्टॉप होता है तो गाजियाबाद उतर जाएंगे, नहीं तो लास्ट स्टॉप हमारा दिल्ली ही है, तो हम दिल्ली उतरते हैं और मिलते हैं आपको सीधा रेलवे स्टेशन पे मुजफ्फरपुर के। तो फाइनली गाइस, हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए और हमको देखो छोड़ने कौन आया है। भैया लोग आए हैं दोनों को छोड़ने के लिए, क्योंकि इतने सारे बैग हैं और मैं अकेला कैरी नहीं कर सकता था, तो इसलिए मेरे भैया दोनों आए हैं, सचिन भैया और अंडू भैया। थैंक यू भैया, थैंक यू। तो अब मिलते हैं, बैग अंदर रखते हैं, शिफ्ट करते हैं, ट्रेन छूट जाएगी तो हम इनके साथ वापस रह जाना पड़ जाएगा। चुप कर पे कुत्ते। तो ये गाइस अपनी सीट है, इस पर हमारा सफ़र होने वाला है, जो कि मुजफ्फरपुर से दिल्ली तक इसी पे सीट पे सफ़र रहेगा। तो ये व्यू है हमारा। गुड मॉर्निंग गाइस, ये हमारा डे टू है मुजफ्फरपुर से दिल्ली का और टाइम हो रहा है आपका 8 AM एंड हम कानपुर पहुंचने वाले हैं। ये व्यू है हमारा कैमरे का। बस में सो के उठाऊँ एंड फ्रेश होने जाना है हमको अभी, और थोड़ा ब्रश वगैरह करना है और देखना है ब्रेकफास्ट के लिए ट्रेन में क्या अवेलेबल है। तो मिलते हैं आपको ब्रेकफास्ट के बाद। तेरे भाई का नाम क्या है? नाम 47 है। गलत अपने लौंडे, गलत अपने लौंडे, कोई भी हो मैटर हम तो सुलटा लेते फोन पे। गलत अपने लौंडे, गलत अपने लौंडे, ऊपर तक के बातचीत रोकेगा कौन बे। सो फाइनली गाइस, ब्रेकफास्ट आ गया। ब्रेकफास्ट में हमने मंगाया इडली सांभर, अब उसको टेस्ट करते हैं फिर बताते हैं आपको कैसा बनाया है। सो गाइस, ब्रेकफास्ट डन एंड इतना टेस्ट था नहीं, सो टेस्ट था बस। अभी मैंने ये लिया है बटर स्कॉच का मिल्क, इसको पी के काम चलाना पड़ेगा, स्नैक्स वगैरह ही, क्योंकि ट्रेन का फूड इतना टेस्टी होता नहीं है जितना हमको लगता है कि यार टेस्टी होगा, इतना टेस्टी था नहीं। अभी ये सब स्नैक्स से ही काम चलाना पड़ेगा। अभी अराउंड 6 to 7 hours लग जाएगा हमको गाजियाबाद रीच करने के लिए। तो गाइस, टाइम हो गया 1 और अलीगढ़ हमने क्रॉस कर दिया है और हमने अभी खाने को मंगाया वेज बिरयानी, क्योंकि बहुत ही भूख लगी थी तो कुछ खाना ठीक तो लगा नहीं। वैसे भी जो हमने ब्रेकफास्ट पे किया था, बट वेज बिरयानी ठीक था, चलो लाइट है पहले से तो कुछ अच्छा ही होगा, होप करते हैं। अब मिलते हैं हम आपको, अगर गाजियाबाद उतरते हैं तो गाजियाबाद मिलते हैं, नहीं तो फिर लास्ट स्टेशन हमारा दिल्ली ही है और मोस्ट ऑफली हम 3 बजे तक दिल्ली पहुँच जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे दिल्ली पहुँचते हैं। 2 hours later तो फाइनली गाइस, गाजियाबाद आ गए हम और बैग वगैरह मेरा सारा बाहर आ गया है और बाहर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, एसी के निकलते बाहर सीधा गर्मी लगी बहुत ही ज़्यादा। अब आपको सीधा कैब में मिलते हैं क्योंकि कैब बाहर वेट कर रही है। और मेरा भाई आया हुआ है, जो कि वो भी बिहार से आया, हमारे साथ ही आया था बट वो दूसरे ब्लॉक में था, तो वो बाहर पहुँच गया है, हमारा वेट कर रहा है। तो उनके साथ हम सीधा घर जाएंगे, माँ को देखते हैं माँ के रिएक्शन क्या होते हैं, क्योंकि मैंने माँ को नहीं बताया, बाकी सभी को मैंने फैमिली को बता दिया था कि मैं आ रहा हूँ, लेट्स सी क्या होता है। तो मिलते हैं आपको सीधा कैब के अंदर। तो फाइनली गाइस, कैब में हम आ गए हैं एंड बिहार से ज़्यादा यहाँ भी गर्मी लग रही है, मेरे को लगा कि बिहार में गर्मी है बस, बट जैसे हमने गाजियाबाद एंटर किया यहाँ भी इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, बस पूछूंगा। और ऊपर से 6 bags 6 bags कैरी करना, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कार्डियो हो गया बाहर तक आने में। चुप कर पे कुत्ते। तो गाइस, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, घर पहुँचता हूँ, बस देखता हूँ फैमिली के रिएक्शन कैसे रहते हैं, माँ को बताया नहीं है, माँ की खुशी देखते हैं क्या रिएक्ट करती हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कॉमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब मत करना, मत भूलना सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। ये मेरा पहला व्लॉग है और मैं चाहूँगा मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें, सपोर्ट करें, उसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपको घर पहुंचते, मैं दिखाता हूँ आपको गाइस। ये गाना पूरा बैंगर, मैं बातों का बैंकर, मोहल्ला ना चाह दूंगा शब्दों को फेंक कर, बीच में ना बातें कर, लिखा मेरे माथे पर 56 गाने रेडी भाई, ना 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 बातें कर। दिल्ली वाले बोलो जी फाड़ जी फाड़, अब बॉम्बे वाले बोलो बहुत हार्ड बहुत हार्ड।
फाइनली गाइज घर के बाहर वाली गली पर हम आ गए हैं और यहीं पे हम अपना बैग वगैरह रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि गली में जाएंगे बैग वगैरह हम हार लेंगे तो फिर माँ को पता ना चल जाए, इसलिए यहीं से बैग वगैरह लेके और जाते हैं। और मैं फ़ोन अब दे दूँगा गोलू भाई को, जो हमारे भाई हैं, अब ये यहाँ से रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि मैं जाऊँगा, मैं थोड़ा दूसरी वॉइस में बदल के बात करूँगा या मतलब बताता हूँ कि कोई और आया है, तो देखते हैं क्या रिएक्शन रहता है वहाँ का। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गाइज, देखते हैं क्या रहता है, मिलते हैं आपसे फिर रिएक्शन के साथ। Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going